मछुआरों को कुछ हक मिला है तो बेवटों का बाकी मछुआरों का बाकी है। गाँव जिंदा है तो भी बच्चों की हजारों की शिक्षा सुनाई नहीं है, शाला स्थलांतरित करके अन्याय किया गया है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के लोग भी आ जाए घरों पर पानी की सुविधा नहीं गुजरात में और कंपनियों को पानी देकर माले माल किया आज क्या कर रहे हैं। आज जल सत्याग्रह इसीलिए है कि हम लोग जीने का हक और अधिकार लेके रहेंगे और जरूरी हो तो बांध के गेट खोलने पड़ेंगे, ये चेतावनी दे रहे हैं। और एक साल में लाभों का भी जाल झूठा साबित हुआ है। एक तिहाई सिंचाई नहीं हुई गुजरात में, नीचे पास की नर्मदा सूखी हुई, यहाँ भी बहुत महीनों तक नर्मदा सूखी पड़ी और अब इस नर्मदा का पानी मध्य प्रदेश के बहुत सारी नदियों में क्षिप्रा वही काली सिंह चंबल तक ले जाने की जो बात चल रही है बड़ी बड़ी लिंक योजनाओं से, वो बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। तो नर्मदा को बहते रखना चाहिए, यहाँ के निर्माण के हकों को पुनर्वास में देना चाहिए। महाराष्ट्र गुजरात के सैकड़ों सैकड़ों आदिवासियों का अब बाकी है, जरूरी हो तो बांध खोल कर नर्मदा बहती रखें। सरदार सरोवर के इर्द गिर्द के 72 आदिवासी गाँवों को उजाड़ना, 21 अक्टूबर को सरदार पटेल जी के कितने बड़े किसान नेता के पुतले के उद्घाटन की जो घोषणा कर रहे उसका पूरा करोड़ों रुपए खर्च का एक आतंकवाद जैसा उस क्षेत्र में फैलाना, ये सब आदिवासियों किसानों के खिलाफ की बात है और इसको हम उजागर करते रहेंगे। आज से 20 सितंबर तक अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा हम इस एक साल की दरमियान की बोल तो करेंगे। 29 तारीख को और बड़ी संख्या में एकत्र होकर और 30 तारीख को केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र के भी बांधों पर नर्मदा के साथ साथ भैंस को आगे बढ़ाकर कार्यक्रम ले जाएंगे।